सब्सक्राइब कीजिए माय एडवेंचर्स होलिक यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। जो बिल जी, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं आपका दोस्त साकिब पठान। गाइस, आज मैं आया हूँ आपका उत्तर प्रदेश के अंदर अमरोहा में। ये जो मंदिर है मेरे सामने जो आप सब देख रहे हैं, ये काफ़ी विशाल और समृद्ध मंदिर है जो 20वीं शताब्दी में बना था। और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है, ये काफ़ी विशाल मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं। और ये गंगा जमुना जो तहजीब है हमारे इंडिया की, हमारे भारत की, ये उसको दर्शाता है। यहाँ मुस्लिम, हिंदू, सिख, पंजाबी सभी लोग आते हैं और ज़्यादातर जो लोग आते हैं यहाँ पर अमरोहा के और अमरोहा के आसपास के जो एरिया हैं, गांव हैं, वहाँ के ज़्यादातर श्रद्धालु लोग यहाँ आना पसंद करते हैं और यहाँ आते हैं अपनी मन्नतें या अपनी जो भी उनकी श्रद्धा भाव होता है उसके लिए। तो मैं भी यहाँ आया हूँ गाइज। आज का जो मेरा जो प्लेस है ये अमरोहा में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर दें। ये मंदिर है, इसका नाम है वासुदेव और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं बाबा भटकेश्वर मंदिर। इस मंदिर की सबसे ख़ास बात यह है, इसकी जो शिव लिंग की जो प्रतिमा है उसका साइज़ है 51 फीट जो एक काफ़ी बड़ा और विशाल है साइज़ में। और काफ़ी लोग यहाँ पर जो आते हैं श्रद्धालु लोग, वो ये सामने जो आप रूम देख रहे हैं यहाँ पर रुकते हैं, जिसका किराया 200 रुपये होता है 24 घंटे का। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मंदिर है। मंदिर की आप जब एंट्री करेंगे तो सबसे पहले जो आपको जगह मिलेगी वो यही होगी। और इसके बिल्कुल ठीक सामने ही जहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और जो भी चीज़ करते हैं, मतलब जो भी उनका एक आस्था की चीज़ें होती हैं वो करते हैं इसके आसपास सामने। और इसके सामने आप देख रहे हैं ये गौ माता का है। और सामने नीचे जो नाव जा रही है इसका किराया 20 रुपये है। आप एक बारी के 20 रुपये देकर नाव का मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी है क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा बंदर हैं, तो आप इसका ध्यान भी रखें। तो ये आप नाव देख रहे हैं, एक पूरा राउंड का 20 रुपये इसका चार्ज होता है और ये 24 आवर खुला रहता है। 24 घंटे आप यहाँ जा सकते हैं अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। पार्किंग की पूरी फैसिलिटी है। आप बाहर से आते हैं अगर दिल्ली से या कहीं अदर से मेरी तरह, तो आप यहाँ किराए पे रूम ले सकते हैं और यहाँ सब चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको खाने की किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। ये मैं हूँ साकिब पठान और मैं यहाँ जो बाजरा मिलता है आटा टाइप का मछलियों के लिए, वो मैं डाल रहा हूँ मछलियों को समुद्र की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैं डाल रहा हूँ और इसका प्राइस होता है 10 रुपये। तो मैंने भी यहाँ डाला था दाना मछलियों का, और कूड़ा नहीं करना चाहिए एज़ पर मोदी जी। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इस मंदिर का जैसे मैंने बताया कि इसकी जो शिवलिंग है उसका जो साइज़ 51 फीट है। और जो सबसे बड़ी और बेहतर चीज़ यही है कि यहाँ सारे रिलीजियस के लोग आते हैं, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, कोई पाबंदी नहीं है। आस्था का प्रतीक है गंगा जमुना का प्रतीक। और ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा व्यू है। ये बत्तख है क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे जानवर हैं, यहाँ बत्तख है, सांप है, मछली है और कछुए हैं। बहुत प्यारे प्यारे व्यू हैं जो पानी में रहते हैं जानवर। दूसरा, ये मेरे साथ के मेरे दोस्त हैं जो मेरे भाई भी लगते हैं, ये भी मेरे साथ गए थे, इन्होंने मुझे सब कुछ घुमाया बताया। ये सामने आप जो प्रतिमा देख रहे हैं जहाँ ये लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर लोग डुबकियाँ भी लगाते हैं, जो भी जिसकी मन्नत होती है पूरी होने के बाद चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। ये सामने हनुमान जी की प्रतिमा है। और ये सब चीज़ें ही हैं आपके सामने जो आप देख रहे हैं। और ये जो मंदिर है इसका नाम बाबा भटकेश्वर मंदिर भी है। और वैसे इसे जो जाना जाता है अमरोहा के अंदर, लोग जो इसे पुकारते हैं उसका नाम है वासुदेव। आप स्टेशन से ई रिक्शे के थ्रू भी यहाँ जा सकते हैं, जिसका किराया मात्र 10 रुपये है। और अमरोहा के अंदर ये नियर बाय पड़ेगा आपका बिच्छू वाला मज़ार, जो अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी मिसाल है, जहाँ पर बिच्छू और मछली, सॉरी बिच्छू नहीं काटता
सांप भी नहीं काटता, ऐसी वहाँ के लोगों की मान्यता है और ये हकीकत भी है। काफ़ी साइंटिस्ट भी वहाँ विजिट कर चुके हैं और ये बात 100 में से 98% तक अभी तक सच साबित हुई है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं, बिच्छू वाला मज़ार अमरोहा डालकर। और इस मंदिर का मैं बताना चाहूँगा, ये जो शख्स आपके सामने है ये वो प्लेस है जहाँ से लोग डुबकी लगाते हैं, यहाँ से इस पानी के अंदर। और ये जो आप परछाई देख रहे हैं, ये जो 51 फीट की शिव की प्रतिमा है, इसका साइज़ भी 51 फीट है, जो पानी में दृश्य आप देख रहे हैं दिख रही है आपको इसकी शेडो। और ये चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा बड़े विशाल शेप में है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो सामने शिवलिंग है ये आपका गोल्डन में है, गोल्डन कलर में, जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा। बस यहाँ सबसे मेन चीज़ यही है कि अगर आप कुछ चीज़ लेकर जाते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो ज़रा ध्यान से रहें, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा बंदर हैं। और कभी कभार इतना ऐसा देखा भी गया है कि उन्होंने हमला कर दिया खाने के लिए। तो इसलिए आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, तो आप प्लीज़ आप कभी भी यहाँ जाएँ तो दिन में ज़्यादा बेस्ट है, और रात में भी काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि लाइटें जलती हैं। और दूसरा, आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप यहाँ जा सकते हैं, आप सबका स्वागत है, आप अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। ये जो फ्रेश है, इसमें लोग जो जिनकी मान्यताएँ होती हैं उसके हिसाब से यहाँ दुआएँ मांग के या मन्नत मांग के या जो भी उनका एक होता है वो यहाँ कर सकते हैं, मांग सकते हैं। और ये सामने पुजारी जी हैं जो पूजा सामग्री जो है तैयार कर रहे हैं अर्चना के लिए, रात में अर्चना होती है जैसे कि मंदिरों में। और ये जो प्लेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने कोई भगवान है, उनकी प्रतिमा है, उनकी मूर्ति है। और यही मछलियाँ हैं, मछलियों का टैंक है जिसके अंदर काफ़ी सारी मछलियाँ हैं तरह तरह की। मुझे सबसे ज़्यादा शौक जानवरों मछलियों का है, तो इसलिए मैंने इसे भी शूट करा आप सबके लिए। ये जो आप देख रहे हैं इसका साइज़ है 51 फीट इसका शिव प्रतिमा का, शिवलिंग का। हाँ, और ये सामने मेला है जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, बच्चों के लिए हर चीज़ का यहाँ आनंद है। पार्किंग के लिए आप देख रहे हैं, ये गाड़ी पार्क है। तो ये सब कुछ था अमरोहा का वासुदेव मंदिर, जिसे हम बाबा भटकेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो गाइज, आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जैसे आपने अदर वीडियो को मुझे सपोर्ट करा, इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा कि ताकि मुझे ऐसे ही प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं न्यू वीडियो बनाता रहूँ। और ये मन्नत का एक घंटा है जिसे बजाना पड़ता है जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो ये जो दृश्य आपके सामने है, ये हनुमान जी का है या वासुदेव जी का है, ये आप देख रहे हैं। तो इसी के साथ बाय गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।